हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल ब्यूटी सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बनाना फेशियल शेयर करने वाली हूँ। आप इसे ट्राई करके देखना, आपके फेस पे पार्लर जैसा ग्लो आएगा। हमारे यहाँ अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है, अगर आपको अपने फेस पे इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको तीन स्टेप में इस सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो आप ये तीनों स्टेप ज़रूर करना, आपको अपने फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं यहाँ पे एक पका हुआ बनाना ले रही हूँ, ये मतलब पका हुआ बनाना है, बहुत ज़्यादा पका हुआ है। आपको इतना ही पका बनाना लेना है, कच्चा नहीं लेना है। आप थोड़ा सा इससे कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पका हुआ बनाना हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए मैं पका बनाना ले रही हूँ। बनाना हमारे स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बनाता है, साथ में हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और हमारे फेस पर इंस्टेंट ग्लो लेके आता है। तो अगर आपको फेस्टिवल में या कहीं भी आपको बहुत जल्दी में कहीं जाना हो और आप मतलब आपके पास फेशियल कराने का टाइम ना हो, पार्लर जाने का टाइम ना हो, तो आप इस फेशियल को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं इस बनाना को स्पून के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, मैं इसे चम्मच से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें इसका एक सॉफ्ट जेल बना लेना है, मतलब इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसका पेस्ट कुछ इस तरह का दिखता है, आपको भी ऐसे ही मिक्स कर लेना है। अगर आप चम्मच से इसको नहीं कर सकते तो आप क्या करें कि इसको ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर ले, एकदम अच्छा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्रब बनाएंगे। स्क्रब बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक चम्मच बनाना ले रही हूँ। अब हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है शुगर। शुगर मैं यहाँ पे खड़ा ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा अगर दरदरा चाहिए तो आप क्या करें कि इसको मिक्सर में हल्का दरदरा पीस ले, थोड़ा सा ग्राइंड कर ले। मैं यहाँ पे खड़ा ही ले रही हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ी देर में थोड़ा सा पिघल जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, स्क्रब के जैसा बन जाएगा। ये हमारा स्क्रब बन के रेडी हो गया है, हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके रख देना है, हमारा स्क्रब रेडी है। अब हम दूसरी चीज़ बनाएंगे, हमारा सेकेंड स्टेप होगा, हम यहाँ पर जेल बनाएंगे। जेल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक चम्मच बनाना पेस्ट, वही जो हमने पेस्ट बना के रखा था। अब हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पतंजलि का ले रही हूँ, आप प्लांट का भी ले सकते हैं। अगर आप किसी और ब्रांड का लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, आपके घर पर प्लांट है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद ये हमारा जेल बन के रेडी हो जाएगा। हमारा जेल बन के रेडी हो चुका है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे अपना फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक चम्मच बनाना ले रही हूँ, मतलब जितना बनाना मेरा बचा था मैंने वो सारा बनाना ले लिया है। अब उसके बाद मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करूँगी। अगर आपकी स्किन को मुल्तानी मिट्टी सूट करता है तो ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी लेना है। अगर आपकी स्किन को मुल्तानी मिट्टी सूट करता है तो ठीक है, अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं सूट करता है तो आप इसकी जगह कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, आपकी स्किन को जो सूट करे आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन को हनी सूट करता है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हनी हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। तो आप इसमें हनी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरी स्किन को हनी सूट नहीं करता है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन को हनी सूट करता है तो आप इसमें ज़रूर इसमें थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच से भी कम ऐड कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि तीनों स्टेप आपको करना कैसे है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, अपने फेस को क्लीन कर लेना है, फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, आप क्लींजर से भी साफ़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए क्या करना है कि हमें अपने फेस पे अपने उंगलियों के पोर्स की हेल्प से हल्के हाथों से 2 मिनट के लिए मसाज करनी है। 2 मिनट मसाज करने के बाद हमें उसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरी चीज़ हमें जेल लेना है। जेल को हमें कम से कम 5 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है, उंगलियों के पोर से ही हल्के हाथों से मसाज करनी है। अगर आपको मसाज स्टेप नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से ही मसाज करते रहिए, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को ठंडे पानी से नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अपने फेस को ड्राई कर ले, उसके बाद आपको
फेस पैक लगाना है। फेस पैक लगाने के लिए आपको अपने पूरे फेस पे हल्के हाथों से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको 15 मिनट के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट बाद जब वो फेस पैक अच्छे से सूख जाए तो आपको उसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करना है। आप उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप कोई फेस वॉश या फिर कोई सॉप नहीं यूज़ कर सकते। आपको कम से कम 12 से 16 घंटे तक नहीं यूज़ करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे कितने बार यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे वीक में एक बार यूज़ करना है। आप इसे वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे दिवाली में करना चाहते हैं, करवा चौथ में यूज करना चाहते हैं या फिर कहीं भी आपको शादी पार्टी अटेंड करनी हो, तो आपको क्या करना है कि एक दिन पहले इसे अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई कर लेना है। फिर आप नेक्स्ट डे जब अपने फेस में मेकअप करोगे तो वो बहुत ही खिलके आएगा, आपके फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।